हेलो एवरीवन, नेमत खाना पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नेमत और आज मैं बना रही हूं प्रीमा नान, वो भी अपने माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में बेक करने के लिए कन्वेक्शन मोड का होना ज़रूरी है। मेरे पास IFB का माइक्रोवेव है जिसे मैंने 8 मिनट तक 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट किया है। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 23 मिनट बनाने से ये बेक हो गया है। यहाँ पर मैंने बेकिंग से रिलेटेड कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो आप इसे स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। नान को ज़्यादा फ्लफी कैसे बना सकते हैं, एक्सपायरी डेट के बाद उसे इस्तेमाल करने का क्या नुकसान है, ईस्ट का सब्स्टिट्यूट क्या है, इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रीमा नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे को राइज कराना होगा, तो इसके लिए हमें नीम गर्म पानी में ड्राई इसको डालकर थोड़ा सा उसे एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 100 ml नीम गर्म पानी लिया है और हमारे पास अर्बन प्लेटर की ये ड्राई ईस्ट है जिसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो यहाँ पर मैं 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब भी ड्राई ईस्ट इस्तेमाल करें, इसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है और समय बीतने के साथ वो मर जाता है। तो नान बनाने का सारा खेल इसी बैक्टीरिया के ऊपर है, तो पुराना ईस्ट आपके मैदे को अच्छे से राइज नहीं होने देगा और नान सख्त बनेगा। तो 2 teaspoon मैं यहाँ पर चीनी इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक हमें छोड़ देना है। अब इसे एक तरफ रख देना है। अब यहाँ पर 1 cup भरकर मैंने मैदा लिया है, ये लगभग 150 ग्राम हो सकता है, मैंने अंदाजे से ही लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो ईस्ट है वो काफ़ी राइज कर गया है, इसमें बबल्स हैं। तो यहाँ पर आटे में हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और ये ईस्ट जो है उसे हमें डाल देना है। पानी का और मैदे का अंदाज़ा सही लगाना चाहिए। वैसे अगर ये पतला हो जाता है तो थोड़ा सा मैदा मिला लेंगे, अगर ये टाइट होगा तो थोड़े से गर्म पानी से और हम इसे गूथ लेंगे। और अगर लॉकडाउन के इस समय में आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, तो ईस्ट के सब्स्टिट्यूट की जगह आप मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर से भी काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 teaspoon मीठा सोडा ले लें और 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर ले लें, उससे भी आपका मैदा राइज कर जाएगा। या अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं तो आप इसे दही से भी राइज करा सकते हैं। दही 1/2 cup लेकर इसे सान लें और 2 घंटे तक इसे किसी गर्म जगह पर छोड़ दें, आपका मैदा राइस कर जाएगा। और अगर दही भी नहीं है तो 1 फेटा हुआ अंडा और 2 teaspoon सिरका डालकर या 2 teaspoon नींबू का रस डालकर इसे गूथ लें और 1 से 1.5 घंटा तक इसे किसी गर्म जगह पर रखकर छोड़ दें, ये राइस कर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गूथे हुए मैदे को आप कम से कम 1/2 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त तक जब तक कि आपका मैदा राइज ना हो जाए रेस्ट पर ज़रूर रखें। ये स्टेप नान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा तेल या बटर डालकर डो को चिकना कर लें। क़ीमा नान बनाने के लिए ये बेसिक सा डो बनाने का तरीक़ा है। अगर आप इसमें ज़्यादा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें 2 teaspoon मिल्क पाउडर मिला सकते हैं। अब इस आटे को हम किसी बर्तन में पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ग्रीस करके एक प्याला रखा हुआ है। इसी में हमें इस डो को डाल देना है और इसे किसी गर्म जगह पर कम से कम 1 घंटे के लिए रख देना है। इसे जितनी देर तक हम राइस करने के लिए छोड़ने वाले हैं उतनी देर में हम एक व्हाइट सॉस बना लेंगे जो कि हमारे क़ीमे का बेस होगा।
तो इसे अब हम रख देने वाले हैं। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए लगभग 10 ग्राम मक्खन आप इसमें किसी पैन में पिघला लें। तो अब मक्खन पिघल रही है तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर कर मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। बस ये जले नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा खुशबूदार हो जाए, थोड़ा सा भुना जाए। और आँच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे ताकि इसे मैनेज करना आसान हो। अब इसे मैंने लगभग 2 मिनट तक धीमी आँच पर पका लिया है। एक अच्छी सी खुशबू इससे आ रही है। तो अब इसे इसमें हमें धीमे धीमे दूध डालना है। इतना दूध डालना है कि ये एक थिक क्रीमी सॉस बनकर रेडी हो जाए। और दूध डालते हुए हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें किसी तरह की गुठली ना पड़े। दूध हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। तो अब ये थिक क्रीमी सा एक बैटर तैयार हो गया है। इसे बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है और इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। तो देखिए ये बिल्कुल अभी स्मूथ है। अब इसमें स्वाद के लिए हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, काली मिर्च डाल लेते हैं और थोड़ा सा ओरिगेनो डाल लेते हैं और फिर एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं ताकि सॉस मज़ेदार बन जाए। अब यहीं पर हमें कीमा भी मिलाना है। मैंने कीमा पहले से रेडी करके रखा हुआ है और अब ये पहले से रेडी कीमा है। इसी कीमे से मैंने पहले समोसा भी बनाया है जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है। आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं लिंक दे रही हूँ, देख लेना। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि ये एक जान हो जाए। जिस पैन पर हमें नान को बेक कर रहे हैं उसे पहले से ग्रीस कर लेना चाहिए। तो मैंने इसे अच्छी तरह से हल्का सा बटर लगा दिया है और वर्क सरफेस की मैदे से डस्टिंग कर लें। ऐसा करने से जब आप इस पर खमीर डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं और काम करना आसान होगा। अगर आप नान की बाहरी क्रस्ट को ज़्यादा ड्राई और ज़्यादा फ्लेकी दिखाना चाहते हैं तो मैदे की जगह कॉर्न मील इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से राइस कर गया है। देखिए अभी हमारे यहाँ गर्मी का दिन है तो यहाँ पर बहुत जल्दी राइस कर जाता है। जहाँ पर ठंडी जगह है वहाँ पर इसे राइस करने में वक्त लगेगा। थोड़ा सा आटा और डाल देते हैं और अब इसे गूंथ लेते हैं। एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैदे को पानी की जगह हल्के गर्म दूध से गूंथें और थोड़ा नरम और लिजली जा गूंथें। इससे आपका नान भी सॉफ्ट बनेगा। अच्छा सा एक गोला बना लेंगे, चिकना सा। अब इसकी ओवल शेप में एक रोटी बेल लेंगे, मोटी सी रोटी, या हाथों से दबा करके ही शेप दे देंगे। इसे बेलन से बेल लेना आसान होगा। आपका जितना बड़ा बर्तन है जिस पर आपको बेक करना है उसी के हिसाब से इसकी लंबाई को एडजस्ट कर लें। चलिए तो हमने इसे बेलकर बराबर कर लिया। अब इस पर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसे बीचों बीच डाल लेना है। साइड से थोड़ी जगह छोड़ देनी है ताकि इस पर डिजाइन बनाया जा सके। अब इसकी एक एक पट्टियों को उठाकर क्रॉस करते जाना है यूं। बिल्कुल आसान काम है, इसे तो आखिरकार बेक ही होना है।
तो ये हमारा तैयार हो चुका। अब इस पर या तो आप एग वॉश कर दें या फिर मेरी तरह दूध वॉश कर दें। कोई हिकमत नहीं है, अगर टेढ़ी चोटियां भी हैं तो भी मज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कुकिंग को हमेशा हंसते खेलते करना चाहिए, टेंशन लेकर नहीं। अब अच्छे से डेकोरेशन के लिए हम इस पर तिल डाल देंगे, सिसमे सीड। तो देखिए मैंने बेकिंग ट्रे पर इसे डाल दिया है और अब इसे मैं माइक्रोवेव करने वाली हूँ। जिन लोगों के माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड है वही इसे माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं। दूसरी सूरत में आप इसे एक मोटे लोहे के तवे को गर्म कर लें और इसे एल्युमिनियम की प्लेट पर रख कर उसे तवे पर डाल दें और फिर ढककर इसे आप बेक कर सकते हैं। या एक चौड़े मुँह के बड़े बर्तन को गर्म कर लें, उसमें नमक डालें और फिर नमक पर एक स्टैंड रखकर अपनी प्लेट को उस पर रख दें और ढककर उसे ओवन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम बेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लाजवाब ये हमारा बेक हुआ है। सिर्फ 23 मिनट में ही ये बेक होकर तैयार हो गया। तो दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा घी लगा देना है या बटर लगा दें ताकि ये थोड़ा शाइन करे, ग्लेज करे। कितना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। और लॉकडाउन में तो बाहर की चीज़ें मंगाकर खाना मुश्किल है, तो ये बनाएं, वक्त भी बटेगा, कटेगा और मज़ा भी आएगा और बच्चे खुश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू इससे आ रही है और अभी मैं ये खा नहीं सकती क्योंकि हमारा फास्टिंग है। तो दोस्तों अब ये कुछ ठंडा हो चुका है तो हमें इसे काट कर देखना चाहिए। दोस्तों माइक्रोवेव में ही ये इतना अच्छा बन जाता है और अगर आप इसे बनाना चाहें तो ये तवे में भी बन जाएगा। देखिए बाहर से भी ये कितनी अच्छी तरह से सिका गया है। हमारी उम्मीद से बढ़ के ये आज लाजवाब और मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट पाव जैसा बना है और उसके अंदर ये कीमा। बनाए इसे आप भी, उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। मैं तो इसे बनाकर बहुत खुश हूँ, बच्चे भी इसे बहुत मज़े से खाएंगे। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं और अगर पसंद आए तो इसे अपने जानने वालों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही दूसरी मज़ेदार सी, इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।